नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया चुनाव की तैयारियों का जायजा, चेकिंग अभियान तेजी से चलाने के दिए निर्देश। आपने दूसरी लिस्ट की जारी, भाजपा कांग्रेस से पहले दूसरी लिस्ट में 18 प्रत्याशियों के नामों की। उत्तराखंड में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 1292 नए संक्रमित मिले, 5 मरीजों की मौत, 294 संक्रमित हुए थे। 4 दिन बाद जोशीमठ में खिली धूप, मौसम खुलने पर ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, बर्फबारी थमने से अपने दिनचर्या में जुटे ग्रामीण। और अब खबर विस्तार से। खबर पौड़ी से है जहां जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज आबकारी विभाग में निरीक्षण कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद की सीमाओं पर आबकारी टीम की तैनाती करे जिससे वहां नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग कर सके। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसके लिए नियमित रूप से चेकिंग करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी छापेमारी अभियान चलाया जाए। उत्तराखंड में तीसरी पार्टी के रूप में खुद को स्थापित करने की तैयारी में आम आदमी पार्टी जुट गई है। भाजपा कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने 24 प्रत्याशियों की लिस्ट पहले चरण में जारी करने के बाद आज दूसरे चरण में 18 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। आपको बता दें कि थराली से गुड्डूलाल, केदारनाथ से सुमन तिवारी, धनोल्टी से अमेंद्र बिष्ट और रायपुर से नवीन पिरसाली को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसी के साथ 18 प्रत्याशियों की आज आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है। उधर कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सीएमओ मनोज उप्रेती ने बताया कि हमारे विभाग के द्वारा कोविड टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा आरटीपीसीआर जांच एवं रैपिड एंटीजन टेस्ट, बेड, ऑक्सीजन, इन पर पूरा जोर दिया जा रहा है। जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनको दवाई देने के साथ क्वारंटीन किया जा रहा है। तीसरी डोज जो 10 जनवरी से लगनी शुरू हुई है वह स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों और सीनियर सिटीजन को लगाई जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं सोमवार को 1292 नए संक्रमित मिले हैं, 5 मरीजों की मौत हुई है, 294 संक्रमित ठीक हुए हैं। प्रदेश में 5000 से भी अधिक सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। देहरादून जिले में सबसे अधिक 441 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इसके अलावा नैनीताल में 220, हरिद्वार में 254, पिथौरागढ़ में 12, अल्मोड़ा में 36, उधम सिंह नगर में 193, चंपावत में 60, टेरी में 28, उत्तरकाशी में 9, बागेश्वर में 7, पौड़ी में 56, चमोली में 15, रुद्रप्रयाग में 14 संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या घटी है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जो कि आज बर्फबारी और बारिश थमने के बाद ग्रामीण जनजीवन पटरी पर वापस लौटने लगा है। जोशीमठ प्रखंड में आज चटक धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सीमांत नीतिमाणा घाटी के दूरस्थ गाँव भविष्य बद्री शुभाई के ग्रामीणों ने मौसम खुलने पर राहत की सांस ली है। बर्फबारी थमने से ग्रामीण अपनी दिनचर्या में जुट गए हैं। इसी के साथ आज के खास समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।